मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह मेरे फरा नई सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुबह बख़ैर खुश आमदीद आप सब लोगों को भी और आप लोग भी जो घर में बैठे हुए हैं और हमें देख रहे हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? हाँ क्या ऊँचा मेकअप? अच्छा ठीक है मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइक किसके पास है? हमने एक अदद माइक तोहफा देते हैं आते हैं सुबह सुबह ही। क्या जरूरी है सबसे? नमाज बहुत जरूरी है। ओह वेरी गुड। मेकअप गुड। पढ़ाई नमाज तालीम नमाज ओके खुशी गिव मी अ हग। इसलिए कि मैं आज यही बात करना चाह रही थी हमने कितनी सारी बातें की हैं ये सब बहुत जरूरी है शायद सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन ये जो इसने कहा है ना अगर आपके पास जिंदगी में ये नहीं है और ये आर्ट नहीं है कि आपने सब कुछ करते हुए खुश कैसे रहना है तो यकीन करें किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। आपको ज़िंदगी में हमें अपने जब टारगेट्स हम सेट करते हैं ना तो उसमें कहीं ये टारगेट नहीं होता कि खुश भी रहना है। हमने बड़ा घर बनाना है क्यों? ताकि हम खुश रह सकें। हमने तालीम हासिल करनी है अच्छा करियर बनाना है क्यों? ताकि खुश रह सकें। हमने एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है क्यों? ताकि खुश रह सकें। हमने अपने बहुत प्यारों का सबका ख्याल रखना है ताकि खुश रह सकें। सो अल्टीमेटली जो हर ज़िंदगी का मकसद है वो जो कहते हैं ना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना एंड द लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। शादी भी हो गई तो भी उसके बाद मोहब्बत हो गई तो भी उसके बाद मकसद सारी चीज़ों का एंड पे आकर ये होता है कि आपको वो खुशी मिले जो आपके चेहरे पर एक निखार बनकर एक जिसे कहते हैं ना एक खिला हुआ आपके अंदर एक एक दिल का कमल जो है आपका वो खिला हुआ हो। और ये खुशी यकीन करें कोई किसी को नहीं देता। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खुशी दे सके आपको। ना आपको कीमती तरीन गाड़ी खुशी दे सकेगी ना आपको बहुत बड़ा घर खुशी दे सकेगा ना आपको बहुत अच्छा करियर खुशी दे सकेगा ना आपको आपकी मर्जी की औलाद खुशी दे सकेगी। अगर आपको खुशी मिलेगी तो अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी के साथ वो जो एक एक आर्ट है ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होते हैं यानी वो जिसको हमें सिखाया जाता है शुक्र करना। शुक्र करना दरअसल खुश होना है दरअसल उस चीज़ को इंजॉय करना है जो आपको मिली हुई है। जब आप उस पर खुश होते हैं जब आप उसे इंजॉय करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को अहमियत देते हैं आप उस चीज़ को वैल्यू करते हैं आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक और चीज़ जो हम करते हैं ना हम पीछे में बहुत कल में बहुत रहते हैं। कल में आज जो दिन गुजर रहा है ये जब गुजर जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन जब अल्लाह ताला एक नया सूरज भेजते हैं जब हम कहते हैं एक नई सुबह एक नया सूरज तुलू होता है दैट इज़ द न्यू बिगिनिंग। हम सब सुबह अपनी ज़िंदगी की रेस इस चढ़ते सूरज के साथ शुरू करते हैं शाम तक हम थक कर बैठ जाते हैं सो जाते हैं और अपने उस अल्टीमेट लॉन्ग टारगेट के लिए अगले दिन सुबह से फिर हम ताज़ा दम होकर उठते हैं। अगर हम हर रोज़ पिछले दिन की ही मसाइल को उलझाते रहेंगे कि ये हो गया था वो कह दिया था ये नहीं हुआ था ये मैंने क्यों किया उसने क्यों किया ये ऐसे क्यों हो गया ये मेरे साथ ही क्यों हो गया तो फिर हम ज़िंदगी में अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे लूज़ करते जाएंगे जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के किसी इंसान के पास ये ताकत नहीं है कि वो जाकर माजी को जो है वो बेहतर कर सके। हाँ एक ताकत हर इंसान के पास है वो है कि आज ये जो मोमेंट है इसमें हम कितना अच्छी तरह से कितना बेहतर अंदाज से रहते हैं जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है वो अच्छा है या बुरा है उससे हमने क्या सीखा और उसको सामने मद्देनजर रखते हुए आइंदा आने वाले दिनों में या लम्हों में हम कैसे खुद भी खुश रहते हैं और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी खुश रखते हैं। सो आज जब जाओगे ना तो ये याद रखना कि हम जो कुछ भी करते हैं सुकून के लिए करते हैं खुशी के लिए करते हैं दुनिया की और आखिरत की खुशी के लिए करते हैं। सो वो जो अल्टीमेट टारगेट है ना हमारा खुशी प्लेजर कि हो सकता है हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ढूंढने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढना शुरू कर दें ज़्यादा खुश रहना शुरू करेंगे। अब तो मुझे लगता है कि सांस जब आता है ना और आपको रियलाइजेशन होती है कि सांस चल रहा है तो शुक्र अल्लाह सांस चल रहा है भाई इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग है।
आपकी ये जो नब्ज है, ये जो दिल है, ये धड़क रहा है, तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग है। आपको अल्लाह ताला ने चलने फिरने की ताकत दी है, बोलने की सलाहियत दी है, आपको पहनने के लिए कपड़ा, सर छुपाने के लिए छत, आपके इर्द गिर्द प्यारे रिश्ते, जिन बच्चों जिन्हें अभी आप स्कूल भेज के बैठी हैं, तो और शुक्र करने के लिए हमें क्या चाहिए। सो लेट्स बी हैप्पी, यही सोच के हमने प्लान किया, क्योंकि जब भी हमारे मुल्क में कुछ थोड़ा सा ऐसा होता है ना जिसकी वजह से हम सब डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें परेशानी होती है, हमारे दिल दुखे होते हैं, मुझे मालूम है। और एक इंसान होने के नाते, एक जिसे कहना चाहिए अपने प्यारे बहन भाइयों का दुख दर्द फील करने के नाते, हम सब दुखी होते हैं, लेकिन उस दुख को सेलिब्रेट नहीं करना शुरू कर देना चाहिए, उस दुख में से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश भी करनी चाहिए, उस दुख को थोड़ा सा अपने से दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए, दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ में, दुख में, आजमाइश में समेत हम सब के कभी मुब्तला ना करे, और अल्लाह ताला हम पे अपनी आसानियों का सिलसिला रखे। लेट्स एंजॉय द डे। और आज हमने आपके लिए एक बड़ा मज़ेदार सा म्यूजिकल शो अरेंज किया है, क्योंकि हमारी ये भी कोशिश होती है कि हमारा जो नया अपकमिंग टैलेंटेड पाकिस्तान का एक एसेट है, हमारे यंग सिंगर्स की सूरत में वो आपसे मिलें, उनका टैलेंट, उनका अंदाज़ जो है वो आपसे मुतारिफ हो, आप जान सकें कि वो कितने ज़बरदस्त लोग हैं। सो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी यहाँ पर हमारी बहुत टैलेंटेड निमरा मेहरा। क्या बात है निमरा, तुम तो एल्विस प्रेसले पार्ट टू लग रही है। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मैं वैसी की वैसी ही। नहीं, बहुत हसीन, जैसी थी उससे ज्यादा हसीन। अच्छा, वाह वाह वाह, ये लड़की जब भी आती है ना तो ये अच्छा गाना गाने के साथ गाना सुनाना है आपको। यहाँ गाना तो ये खूबसूरत है ही, मगर निमरा ने जो अपने अंदाज में उसमें डाला है ना, वो एक बड़ी जैसे कि अपनी वेरिएशन डालने की कोशिश की है। हाँ, वेरिएशन डालने की कोशिश की है, बड़ी जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट हम बुलाएंगे यहाँ पर, हमारे एक साइड एक टीम होगी लड़कियों की और एक टीम होगी लड़कों की। सो बॉयज टीम में सबसे पहले अहमद नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सुन निमरा ने तो मैं तीनों समझावा की, तो अब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तालियां हो जाए ना। ये सर मुझे ही लग रहा है कि निमरा को ये गाना गाना चाहिए था और अहमद नवाज को वो गाना चाहिए था जो निमरा ने गाया है ना, दोनों जरा मर्दाना जराना मिक्स हो रही है डब्बे। हाँ, दोबारा नहीं, दोबारा फिर कर लेंगे आगे। अच्छा जी, मेरी अगली सिंगर वेरी टैलेंटेड और बहुत खूबसूरत गाती है, प्लीज वेलकम अमनाली। कैसी हैं? ठीक है। सो गर्ल्स पार्टी में अब आप क्या आवाज और अंदाज लेकर आएंगी? आपका भी फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी सॉन्ग है फेवरेट। कौन सा वाला? हमें अब याद ही नहीं रही हुई ना ये बातें कि बुत शिकन कौन होता है, बुत फरोश कौन होता है, वादा वफा करने वाला कौन होता है, वादा फरोश कौन होता है, कुछ होते भी होते भी है, कहीं होते भी है, कहीं होते भी। मैं तो जब भी आती है जिक्र करती, कुछ होते भी है। अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, फायदा नहीं हो रहा, फिर होते हैं, इतना पता होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, एंड नाउ वेरी टैलेंटेड इमरान हाशमी। हर कोई अपना फेवरेट जो है वो शेयर कर रहा है कि वो इस शो में क्या थीम कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, तो इमरान क्या लेकर आएंगे आज? ओके, अपना फेवरेट सॉन्ग। क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा, अब हम अपने अगले फनकार की तरफ चलेंगे, प्लीज वेलकम मेलोडियस वॉइस रमशा। आप भी गर्ल्स पार्टी में और क्या लेकर आई हैं आज हमारे देखने वालों के लिए? मैं एक जो है वो रेशमा जी का फर्स्ट। अली कैसे हैं? सो आपकी तरफ से अब क्या कंट्रीब्यूशन शो? मेरी तरफ से एक लव सॉन्ग है। चलें। मेरे लिए तो डिफिकल्ट है अभी तक डिसाइड करना कि मैं किसको ज्यादा पसंद करने वाली हूँ। कुछ आपको अंदाजा हुआ है कि किसकी तरफ आपका ज्यादा
लगाव रहेगा, रुझान रहेगा. कितने लोग बॉयज टीम के साथ हैं? कितने लोग ताली और कितने लोग लड़कियों का साथ देंगे? हम चलते हैं फिर. मतलब है कि आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लड़कियों के लिए, ठीक है? लेकिन एक टाइम इस वक्त जो है वो ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, क्योंकि लेट्स हैव फन, एंजॉय द डे. खुशामदीद. आज ये बहुत टैलेंटेड से मेरे सामने हैं सिंगर्स. इन्हें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, सिर्फ मुझे पता नहीं. वैसे हमें हर दफा ही नहीं पता होता क्या होने वाला है ना. ये दैट इज द हाइट ऑफ द लाइफ. ठीक है, अब आपको एंजॉय करना है. जो जो कुछ आपको कहते जाएंगे वो सब होना चाहिए, करना चाहिए. और फैसला आप लोगों ने करना है. कोई लड़का लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना. अच्छी आवाज, अच्छा टैलेंट, जो अच्छा, जो टीम अच्छा आपके सामने परफॉर्म करेगी शुड विन. ठीक है ना. और अपने अंदर भी हमने हमेशा एस फॉर्म भी रखना है, द बेस्ट शुड विन. ठीक है, मतलब हमारी इसमें प्रेजुडिस नहीं आना चाहिए. क्या ख्याल है निम्रा में? बिल्कुल आप गलत कह नहीं सकते. जो बेहतरीन हो उसे जीतना चाहिए. अरे ये क्या था, जो बेहतरीन हो उसे जीतना चाहिए. इशारा किस तरफ था? जो बेहतरीन हो उसे जीतना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे दावत दूंगी. प्लीज वेलकम अहमद नवाज. ये राउंड है दी बेस्ट परफॉर्मेंस का. ठीक है, आप सबके पास ये चॉइस है कि आप लोग अपना अपना दी बेस्ट दे सकते हैं. अच्छा, वैसे आप गा रहे थे और मुझे लग रहा था एहो मसला मुकावना है, लेकिन वो लगे ऐसे रात में से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एहो मसला लमकावना है. अब ये मुकावना और लमकावना जो है ना, ये दोनों मिलते जुलते काम है. हम या तो मसला मुकाने की तरफ आते हैं या मसला लमकाने की तरफ आते हैं. ये जो करवा रहा है अमरीका करवा रहा है इसमें. अच्छा, ये दिल की बाजी में भी अमेरिका ही शामिल है. शुआमा तो चक्कर है. बिल्कुल सही. अच्छा जी, अब आपके हाल में लड़की वाली साइड से किसको बुलाना चाहिए? देखो निम्रा, तुम्हें अपने नाम की आवाज आई, सो प्लीज वेलकम निम्रा मेहरा. मुझे बताओ तुझे मैं गाने का वाली हूँ. एक्चुअली आई ट्रीट टू वॉच एंड लिसन. क्या बात है निम्रा, आपके डिम्पल की तारीफ करूँ, आपकी आवाज की तारीफ करूँ, आपकी अदाओं की तारीफ करूँ, आपके बालों की तारीफ करूँ, आपके लटके झटके की तारीफ करूँ, एवरीथिंग इज किस किस चीज की तारीफ करूँ? वंडरफुल, निम्रा ने बहुत, जैसे कहते हैं ना, बार ऊंचा कर दिया है. तो आप अदाएं कमाल, मैं सीखूंगी. अदाएं सीखने से नहीं आती, अगर सीखने से आती होती तो फिर हर कोई जिसे बाद आना होता. हाँ. क्या बात. अच्छा जी, अब हम मैंने लड़कियों की तरफ जाना चाह रही. आई वॉन्ट के लड़कों की तरफ से हम कोई जो है वो अपना लेकर आए, लेकिन उससे पहले कि हम जाएं, अभी तक अहमद नवाज और निम्रा मेहरा आइएगा जरा सामने. अभी तक इन दो सिंगर्स ने परफॉर्म किया है. चलो, जिनका ख्याल है कि अहमद नवाज, जिनका ख्याल है कि निम्रा मेहरा, अभी तक अपनी दी बेस्ट परफॉर्मेंस में अभी तक जो है वो निम्रा मेहरा हमें आगे दिखाई देती हैं, लेकिन ये कितने देर तक आगे रहती है उसका फैसला इमरान हाशमी के आने के बाद होगा. वाह वाह, इवन दो हम दोनों इकट्ठे परफॉर्म करने वाले. ओके जी, सो लड़कों की तरफ से किसको बुलाऊं अब, कौन तैयार है? जो मैंने इमरान हाशमी का नाम लिया तो क्यों ना चैलेंजर को फौरन ही मैदान में लिया. इमरान हाशमी, आप इसको ये कि यार आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करते अगर इतनी हालत खराब है तो? नहीं, मेरा इलाज वही है, वो अगर मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा. वेरी गुड. अच्छा इमरान हाशमी, आपकी शॉपिंग कौन करता है? मैं खुद करता हूँ और मेरे साथ मेरी मदर होती है. मदर मैं और अम्मी मिलके. इमरान की मदर के लिए तालियां. हाँ. बहुत अच्छा. इमरान जब भी आता है ना, एक बड़े यूनिक इसका ड्रेस स्टाइल और वो सारा कॉम्बिनेशन और सारा कुछ होता है, विच इज वेरी गुड. अच्छा जी, ब्रेक में मुझे जाना है, लेकिन हमारी वेरी टैलेंटेड अमन, रमशा और अलीशान भी मौजूद है यहाँ पे, और हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये अपना दी बेस्ट आपको सॉन्ग प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद हम टास्क देना शुरू करेंगे और देखेंगे कि आज ये हमें कैसे, कौन ज्यादा, किसकी आवाज से ज्यादा हमें सुकून मिलता है, ज्यादा मजा आता है. स्टे विद अस एंड हैव फन.
مارننگ خواتین و حضرات, اور ابھی آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں ہماری بہت خوبصورت آواز کی مالک تمشا. بیوٹیفل, بڑا جیسے کہ نا فیلنگ کے ساتھ. اور آپ کو سارا گانا آتا تھا, لیڈی ان گرین لاسٹ میں جو بیٹھی ہے نا, لیڈی ان گرین آپ کو آتا تھا سارا گانا بچپن سے. بہت دکھی ہے نا, مائک ہے نا آپ کے پاس, مائک ہے جو آپ رمشا کے ساتھ گنگنانی تھی وہ خود سے گنگنائی تھا. رمشا سر ہمیں مائک بھی دیں, ان کے پاس بھی جائیں, آپ یہ گانا گنگنائیں تو آپ کیسے گنگنائیں. رمشا کے ساتھ تو پورا گا رہی تھیں آپ جی, کوشش کریں, کوشش کریں میں گاؤں گی آج, تھوڑا سا گنگنانے, تھوڑا سا نا بس, تھوڑا سا, پہلی لائن جی. چلے جی, چلو نا, چلے کوئی بات نہیں ہے. بہت بڑے اسٹائل مار مار کے, کبھی ایسے کر کے, کبھی ایسے کر کے آپ گانا جو ہے وہ گا رہی تھی. ہاں لیکن تو چلو نا. اچھا یہ ہوتے ہیں ہم سب, ہم سب کو لگتا ہے گانا اونچی آواز میں لگا ہو نا تو ہم سب ساتھ ایکشن ایسے مار رہے ہوتے ہیں جیسے ہم تو بڑے بہت بڑے موسیقار ہیں, اور ذرا سا وہ آڈیو آؤٹ ہو جائے تو پھر ہم مس, ہم ساری آواز بھی نہیں نکلتی. سو ہیٹس آف ٹو یو گائز, ہاں ہیٹس آف ٹو یو گائز جو گاتے ہیں اور اچھا گاتے ہیں. سلام شاہ کے بہت خوبصورت گانے کے بعد اب باری آئی علی شان کی. علی شان بہت خوبصورت, اور میں نے بہت کہا ہے گانے کے دوران کہ رمشا کو اس کو اپنے مندرا کو کہ جاؤ یار, لیکن وہ نہیں اٹھی. لیکن امیزنگ, آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ آپ لوگ نے کہا تھا, آپ لوگ آئے, آپ لوگ آئے. نہیں بہت اچھا گانا, مجھے بتاؤ یہ جو آپ گانے کے اوپر پرفارم کرتے ہیں, یہ جب آپ وہ گانا بناتے ہیں اس کے بعد وہ خود اسے کھڑے ہو کر پریکٹس کرتے ہیں, ریہرس کرتے ہیں؟ اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے موو کرنا, اچھا بیٹ پہ خود ہی آتا ہے کہ نہیں اس بیٹ پہ یہ والا اچھا لگے گا. نہیں امن تو نہیں کرتی, کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں, لیکن کچھ ہوتا ہے ایسے کہ نمرا ماشاء اللہ بڑا اسموتھ, وہ کچھ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا جانرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسا ہی گاتے ہیں, ان کو بڑا اسموتھ سا سافٹ سا گانا, ہم ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس سو ویری راکنگ. علی شان کے بعد اب آ رہی ہیں امن علی. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اس طرح کا گانا, میں سوچ رہی تھی ذرا تھوڑا سلو پیس گانا آئے گا, مگر آپ نے تو چینج کر دیا. فلم کا سانگ ہے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی وائس جو ہے نا چینج کر کے گانا, حالانکہ یہ میری وائس نہیں ہے. اچھا ذرا نا میرا اور ان کا کیا آپ اور امن کا کیا فیصلہ کرنا, وہ میں کروا دوں. آپ کو ڈانس کیسا لگا میرا؟ یہ ڈانس تھا, عرب سے ایک عورت آئی تھی ایک اسٹیپ کر کے چلی گئی. احمد نواز کو دیکھ کے نا بندہ ایک چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ کوئی ہل جل بھی لیتا ہوگا, مگر بھائی یہ واقعی ہل جل لیتا, بلکہ یہ ہلا جلا بھی لیتا ہے. اچھا لیکن آپ کا امن جو گانا ہے نا, ایک بڑا مشہور کیریکٹر ہوتا تھا انڈیا میں خواتین کا, جانتا ہے کوئی اس کیریکٹر کو؟ وہ اسی فیل کا تھا, اس کا نام تھا پھلن دیوی. پھلن دیوی, پھلن دیوی ایک ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, گینگ ریپ ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ بھاگ گئی تھی وہاں سے, اور پھر اس نے وہ ریونج لینے کا سلسلہ, ڈاکو بن گئی تھی, اور اس کا ایک اس کا یہ اسٹائل ہوتا تھا ٹھا 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 والا. ہاں اور وہ اس کا ایک اسٹائل تھا کہ جب اپنے پکڑتی تھی نا ان لوگوں کو جن کو انہوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا, مجھے اچھی لگتی ہے, مجھے اچھی لگتی ہے جو آپ جب آپ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, مجھے ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو میں نے دیکھا نہیں ہوا لیکن جو ڈائلگ میں سنانے لگی یار, ہوتا یہ تھا جب وہ پکڑتی تھی نا کسی کو, نمرا کو پکڑ لیا میں نے, ٹھیک ہے اب نمرا یہاں پر ہے نا, اس کا سائل تھا, وہ بندوق کندھے پہ رکھتی تھی اور اس کے گیٹ گھومتی تھی اور کہتی تھی بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, مار دیا جائے, وہ مشہور تھی اس کے لیے کہ وہ پورا ریچول کر کے تو پھر اس کو مارتی تھی. دیٹ یور سانگ ریمائنڈڈ می آف دیٹ کیریکٹر, اور یہ فلم میں بھی آ رہا ہے. بیوٹیفل, ہمارا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا, تیار ہونا فیصلہ کرنے کے لیے. نہ لڑکا نہ لڑکی, نہ کون خوبصورت ہے, نہ کس نے پینٹ اچھی پہنی ہوئی ہے, نہ کس نے بال اچھے بنائے ہوئے, صرف یہ گانا کس نے اچھا گایا ہے, ٹھیک ہے؟ سو رمشا اینڈ علی شان میں آپ کے خیال میں ہوز دا بیسٹ؟
अहमद देखे साथ आपके खड़े हैं, जिनका ख्याल अहमद तो बदरू की तरह है ना, हर जगह आ जाते हैं। इनका ख्याल है कि अली शान, और जिनका ख्याल है कि रमजा, एक जैसे और एक जैसी तालियां हैं, बस कोई फर्क होना चाहिए। मुझे अली शान की तालियां ज्यादा लगी, क्या ये सही है? तो आप लोगों का ख्याल है कि अली शान जीत गए हैं। ओके ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बारी आई अमन की, एंड अमन के साथ आप भाईजान ना पाएंगे, अमन के साथ हार गई मेरी टीम, हार गई। सो जिन लोगों का ख्याल है कि अमन ने बहुत अच्छा गाया, और जिनका ख्याल है कि हमारे इस खूबसूरत नौजवान, थैंक यू, डांस कॉम्पिटिशन में सालों की तेरे बगैर मैं तो ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं है तेरे बिना, हालांकि बीमार है फिर भी जीती है। हाँ वही ना, एहसास आ गया। अगर कोई ये कह के ना मैं तो ठीक नहीं है, बंदा कहता तो क्या हुआ, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पैराडॉल ले लो, अच्छा ब्रूफिन ले लो, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं, आगे अब टास्क होंगे और फिर इनकी टीमिंग होगी, एंड लेट्स सी एंड लेट्स एंजॉय। मतलब ये है मुकाबला कोई नहीं है, मतलब ये है कि लेट्स एंजॉय द डे। एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। आज हमारे बहुत प्यारे से सिंगर्स यहाँ पे, अभी तक जो हमारे सामने रेटिंग्स आई हैं उसके मुताबिक निमरा को वोट मिले हैं ज्यादा, है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है कि मैं गलत कह रही हूँ? तालियां बजा के बताएं। और इधर से आपने पसंद किया है इमरान हाशमी, चले अब ये आपके सामने ना एक बहुत प्यारा सा पड़ा हुआ है ना एक हमारा बर्तन, ठीक है, इसमें बहुत सारी पर्चियां हैं। अब इन सारी पर्चियों को एक ही बंदे ने नहीं निकालना, एक बंदे मिल के आप सबने निकालना है। सबसे पहले एक पर्ची निकालो, जो पर्ची निकलेगी वो आपने नाम भी बताना है कि कौन सा सिंगर वो परफॉर्म करे, ठीक है। सो पर्ची निकालें, सबसे पहले आप ही निकालें, माइक है आपके पास, ओके नाम बोलिए ऊंचा सा, किसका नाम, गाना क्या है, क्या दो यार माइक, गाना कौन सा है, इस पर क्या लिखा हुआ है, पायल, पायल और कौन गाए पायल पे गाना, आई थिंक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लड़कियों ने इमरान हाशमी के इस नाम में इतनी कशिश है कि लड़कियां इमरान हाशमी का ही नाम लिए जाए। हाँ क्या नाम ही उनका आता, तो ये तो जुल्म हो गया ना, नहीं यार किसी लड़की का नाम दो मुझे, रिमशा, रिमशा, निमरा या अमन, रिमशा, पायल आपके लिए निकली है, थैंक यू आपके लिए। तो अब आपने पायल पहले बोल दिया ना, हां पहले नहीं बोला, नहीं बोला ना, माइक बोला, वो इमरान के लिए बोला उन्होंने, नहीं बोला आपने, मेरे लिए बोला, आपके लिए बोला। चले 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 रिमशा पायल पे गाड़ी, और इसमें टाइम नहीं लेना, जो टाइम लेगा वो लूज करेगा, ठीक है चले रिमशा। आज हमने अपने गाने गाने, पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तान, ठीक है, यस, यहाँ पाकिस्तानी सिंगर्स के, हाँ वो बम चलाते फिर रहे हैं तो अब आप गाने गाने नहीं छोड़ रहे उनके, ठीक है, तो इसलिए अब हम गाने अपने गाएंगे। चलें जी अगला कौन सा निकला, नेक्स्ट वर्ड निकला सिचुएशन क्या है, जुदाई, क्या जुदाई, जुदाई, और कौन गाए आपके लिए, या मैं दो तीन दफा लड़कियों को देखूंगी, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हम चेंज कर देंगे, फिर हम सिंगर खुद से डिसाइड करना शुरू करेंगे। लेकिन इमरान हाशमी बारी आपकी, ले लो ना जी, जुदाई, 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 ओके जुदाई आपके लिए, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट किसके लिए सिचुएशन निकली, हां वैसे निकाली, निकाली आप, क्या नाम निकला, मुझे क्या लिखा हुआ, दुपट्टा, दुपट्टा, और कौन गाए, अमन, अमन अली, अमन अली दुपट्टा, अच्छा अली शान को अगला गाना, ठीक है अमन अली दुपट्टा, 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 अच्छा अली जी है, मुझे बता देना, और क्या, डीजे, डीजे, और कौन गाए, अली शान, अली शान, डीजे, वाह वेरी गुड,
अभी डीजे पे वो कौन सा गाना गाया के लिए आपने डीजे प्ले करना? पाकिस्तान की गानों में डीजे है कहीं? नहीं नहीं, कुछ और कर ले। हां कुछ और है अगर उन्होंने कह दिया है। वाह वाह, है। अच्छा फीमेल सिंगर का है, चलो क्यों देते हैं। डीजे नहीं है कि जिनके नाम पहले निकल चुके उनके नाम नहीं, लेकिन अब आपने निकालने हैं। पीछे वाले लोगों की बीमारी आनी चाहिए ना यार, उनका क्या कुछ रहा पड़ा। हर चीज करता है, इसी में तो नहीं डाली जा रहे हो सारे वापस। चले इसे उठाएं एक अलग गैर कर जी। क्या निकला? लॉन्ग। क्या? लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग गाय कौन? निमरा। लॉन्ग चलो माइक। चलो जी अगली बारी आपकी। चलें आप इसमें से निकालें एक लव। क्या है, कौन है? जी माइक दीजिएगा अपने दोस्त को। क्या लिखा? साहिल है। साहिल। और गाय कौन? अहमद। अहमद माइक। माइक अब एक काम करने लगी मैं आपसे। गाना सुन के मुझे ख्याल आया कि इसी गाने का एक एक शेर जो है सब गाएंगे और हम देखेंगे कि कौन जो है कौन। इमरान हाशमी जीते। इसका टोटल शेर इसमें। अच्छा इसमें इमरान हाशमी नहीं जीतेगा। इसमें मैं नहीं जीतूंगा। अंतरे ही दो हैं। तीन है। तीन है। चार है। क्या अंतरे? मैंने दो सुने। मैंने ओएसटी अंतरे से दो। चलो ओएसटी नहीं ना, सजाद अली साहब का खालिस। उन्होंने नहीं गाना, ओएसटी भी उन्होंने गाई। हां चले इमरान हाशमी से शुरू करेंगे। स्टार्ट करें। चले अली शाह से शुरू करेंगे। अंतरे से शुरू करना है या जी शुरू से? कहीं से भी स्टार्ट कर दो बस। कर चलें जी। अभी तक मुझे तो रमशा के सबसे अच्छा ज्यादा पसंद आया है ना, और उसके बाद अब अमन रह गई हैं। अमन क्या आप रमशा को चैलेंज दे सकेंगी? ओ अच्छा, किसी को नहीं दे सकती। देना है तो है। के हाल में किसने सबसे अच्छा गाया? अमन। अमन। अमन ने। अमन। 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 अमन आप लोगों का ख्याल अमन या रमशा किसने अच्छा गाया? ऊंची आवाज में बोल दो। रमशा। तालियां बजा के बताओ। रमशा या अमन? रिमशा। रिमशा फाइनली। रिमशा तो रिमशा बचा दो उनके लिए भाई। रिमशा थैंक यू। अगर गाय रिमशा ने सबसे अच्छा गाया। ओके अब दोबारा आप लोगों के सामने पड़ी नहीं है ये चिट्सना, ठीक है? तो एक पीछे दीजिएगा अपने पीछे वाली फ्रेंड को दीजिएगा। अमन अमन माइक जी 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 पीछे वाली फ्रेंड को दीजिएगा जी। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब। जैनब निकालिएगा एक यहाँ से। नाम किसका लेंगी आप? क्या लिखा हुआ है? पतलू। पतलू। पतलून या पतलू? पतलू। पतलो। अशफाक अलवी के लिए तालियां। पतलो 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 पतलो। कौन? अहमद नवाज पतलो गाएगा। मैं नहीं हूँ पतलो। नहीं अहमद नवाज पतलो गाएगा। चलो अहमद नवाज पतलो। पतलो आता ही नहीं। पतलो किन्नी सोनी लग रही है। किन्नी सोनी लग रही है। मैं अशफाक अलवी को बुलवा के जाऊंगी। पतलो पतलो ये पतलो है। मैं आप गाएंगे पतलो। मुझे आता ही नहीं पतलो। पतलो नहीं आता। अलीशान को देने। अलीशान पतलो यही में। किन्नी सोनी लग रही है। यार इतने मशहूर जल्दी 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 पतलो पतलो यही बैठ के यही बैठ के इमरान को देते हैं। नहीं जो ज्यादा पतलो है वो जरा आ गया। बहुत अच्छी आप लोगों ने मिलकर ये जो जुएट बनाया है ये तेरे यार बथेरे ने। मेरा तू ही बस यारा। ये गाना किसी औरत की तरफ से ज्यादा अच्छा डेडिकेट हो सकता है किसी लड़के को या लड़के की तरफ से लड़की को। आजकल जो हालात है दोनों की तरफ से ऑडियंस को फैसला करने दो। क्या एक लड़की की तरफ से डेडिकेशन लड़के को अच्छी लगेगी या लड़के की तरफ से लड़की को? हाँ इक्वली है। आजकल मामला जो है बराबर का चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा इसके साथ ही हम जोड़ी की राउंड में एंटर हुए। ये हमारा YouTube पे भी है। सॉरी मैं सब के नाम से मेरा जो चैनल है YouTube इमरान हाशमी PK1 पे आप देख सकते हैं। हम दोनों ने ऑफिशियल वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा अनऑफिशियल गाने अब थोड़े अनऑफिशियल गाने जो है उसके हमारे और हर जोड़ी को ना हमें थीम एलोकेट करने लगे, ठीक है? एक आप लोगों का, आप दोनों को मैं दे रही हूँ नाजिया जहेब। नाजिया जहेब का जॉनरा आपने उसमें रहकर गाने सोचने हैं, उनके गाने सोचने हैं, परफॉर्म करने हैं।
آپ کا اور آپ کا امن کلچرل وچ از جتنے فوک اینڈ کلچرل گانے ہیں نا آپ اس کے اندر رہ کر آپ اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پرفارم کر سکتے ہیں. آپ لوگ کس میں جانا چاہیں گے؟ میں میرے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو وہ جو ایک پورا ایرا ہے جس میں عالمگیر صاحب, شیخی صاحب, اس طرح کے گانے, اردو سے علی شاہ نے تو سن کے یوں کر دیا, یا پھر مہدی حسن, اور کون سے گانے گانا چاہیں گے؟ مہدی حسن, میڈم نور جہاں, میڈم نور جہاں, مہدی حسن. ٹھیک ہے, سو تین اب ہمارے پاس کلاسیفیکیشنز آ گئی ہیں. ہر جوڑی نے اس کے اندر رہ کر اپنے گانے جو ہیں پرفارم کرنے ہیں. آئی ول اسٹارٹ وتھ علی شان اینڈ رنچا. ٹھیک ہے, میڈم نور جہاں اینڈ مہدی حسن خان صاحب. سو اس جانرا میں رہ کر آپ نے پرفارم کرنا ہے. جی آئیے سامنے, کوئی گانا سولو بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک گانا انہوں نے گانا ہے, ڈوئٹ گانے. آپ دونوں نے گانے جو ہے میں آپ اپنے گانے اور اپنی چیزیں جو ہے وہ ارینج کر لیں, اور اس کے بعد میں رول نہ دے شام دی. بریک بڑی انٹرسٹنگ تھی, آئی وش کہ آپ لوگ مجھے بیہائنڈ دا سینز ہے نا, شو سے زیادہ انٹرسٹنگ بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے یہ, اس کا ہماری آڈینس گواہی دے سکتی ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ ہر کوئی جو ہے اپنے فل جوبن پہ ہوتا ہے, فل بلوم پہ, اپنی اپنی ڈسکشن سے, اور جو ڈسکشن چلی ہے اس کے مطابق کوئی بھی اس کیٹیگری سے خوش نہیں ہے جو کہ انہیں دی گئی, اور وہ سب کچھ اور گانا چاہتے ہیں. تو اب ایسا کرتی ہوں میں کہ آپ لوگ وہ گائیں جو آپ لوگ گانا چاہتے ہیں, وہ جو مرضی ہو, لیکن گانا آپ نے ایز جوڑی کے طور پر ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابرار, عاطف, علی ظفر, بگا اور راحت فتح علی خان, راحت فتح علی خان, مومنہ, ہمیں ان لوگوں, ہاں آئینہ بیگ, ہمیں ان لوگوں کا کہیں, ہمیں نہیں پتا کہ نازیہ زہیب کون ہے اور مہدی حسن اور نور جہاں, تو چھوڑے ان باتوں کو. نہیں نہیں اپ ٹو یو, جو آپ لوگ گانا چاہتے ہیں جوڑی کی صورت میں گانا, جو بیسٹ گائیں گے ہم اس کو سنیں گے اور انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے, سو پہلے باری آئی, ہم تو گا چکے ہیں, ابھی تو گایا ہم نے, ہم نے بھی گایا ہے نا, ہم نے تو بھی گایا ہے, پہلے تو باقی ٹیم کی باری شروع. چلو امن آپ تیار ہو؟ امن اینڈ احمد نواز مائک, آپ ادھر آ جاؤ, مائک مائک نہیں, مائک جا رہا ہے, آڈینس مائک دیجیے گا, مائک مائک, ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے یار مائک, مائک یہ پڑھ, ہاں 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 ایگزیکٹلی یہی سوال میرے لیے, دس از دی سانگ از فار یو ماما. اچھا تو ماما اپنے امی دیکھ رہی ہیں, بالکل صحیح, امی دیکھ رہی ہیں, امی دیکھ رہی ہیں, امی دیکھ رہی ہیں, امی دیکھ رہی ہیں, اسپیشل کہا تھا امی دیکھنا, ونڈرفل ٹو ہیو یو آل, اور ان سب کے لیے خاص تالیاں اس لیے کہ یہ سب بڑے امیزنگ لوگ ہیں, ایک تو اپنے اسکل میں, اپنے ٹیلنٹ میں, اور اس سے زیادہ اپنے ٹیمپرامنٹ میں, اس لیے کہ مارننگ شو جو ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا لیسن ہے جو کہ میں نے سیکھا ہے, اور وہ لیسن یہ ہے کہ زندگی میں, دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا, آپ جو کچھ بھی پلان کریں گے صبح اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا, وہ نہیں ہوگا جو آپ نے سوچا ہوگا, پلان کیا ہوگا, بٹ اسٹل دا شو مسٹ گو آن, اسٹل دا لائف ول گو آن. سو زندگی میں بھی ہماری کمیوں, کوتاہیوں, خامیوں, دوسروں کے امپرفیکشنز, بہت ساری محرومیوں کے باوجود زندگی چلتی رہتی ہے. دا آرٹ آف لیونگ از کہ آپ ان تمام چیزوں کے باوجود کتنا خوش رہتے ہیں, کتنا مطمئن رہتے ہیں, اور کتنا انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کے پاس ہیں, اور کتنا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے جو آپ کے پاس نہیں ہیں. سو ہیو اے ونڈرفل ڈے, اے بلیسڈ ڈے اہیڈ, ان شاء اللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل پھر, اور میں چاہوں گی اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, لو یو آل, تھینک یو ویری مچ, سب لوگوں کا بہت شکریہ, اور آپ سب اپنے لیے بھی بہت ساری تالیاں بجائیے گا, ونڈرفل ٹو ہیو آڈینس لائک یو, آپ سب بہت پیارے پیارے سے بچے, جاتے جاتے کیا خیال ہے بس ایک اچھا سا گانا سنو, وڈ یو لائک احمد کا سننا ہے کسی اور کا سننا ہے؟ احمد نواز کا کون سا گانا؟ ہاں یو لائک انرجیٹک سانگس, تو تھوڑا سا گنگنا کے بتا دیں کون سا احمد نواز گانا گائیں آپ کے لیے, مائک دینا, کوئی بھی گانا جو انرجیٹک آپ کو لگتا ہے, احمد آپ تو مائک پکڑ کے آ جائیں نا, جی کوئی گانا گنگنا دو, ہز آل سانگز, کوئی آپ تو گنگنا دینا, کوئی ایک جو آپ کو پسند ہے, نہیں وہ خود سے چوائس کریں, وہ ہمارے دن کو ہیلدی بنائے, جی آئیے احمد نام صاحب, صحیح اجازت دیں گے آپ, آج کل آپ فیشنیبل کچھ زیادہ ہی نہیں ہوتے جا رہے,
लेकिन फैशन की बात कर रहे हैं और देखते हैं कि वो कौन सा गाना आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।